हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 11th अक्टूबर 2021 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा अपने चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहाँ से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा में फ्राइडे के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा फ्राइडे के दिन 4.88% का यहाँ पे जो पॉजिटिव में हमें क्लोजिंग दिया है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 88.10 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो अपसाइड मोमेंट रहने वाला है या फिर कोई डाउन साइड आने वाला है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो है आपको क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो है मंडे के दिन बनने वाला है उसको भी जरूर जो आपको मार्क करके बताएंगे और उसको जो आपको कैसे यूज़ करना है अपने ट्रेडिंग के टाइम पे वो भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। बाकी यहाँ पे एंड में हमारा क्या ओपिनियन बनता है फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे को क्या हो सकता है हमारा एक ओपिनियन दे देंगे और यहाँ पे जो है आपको एक छोटा सा हिंट भी दे देंगे आने वाले दिनों के लिए हमें क्या लग रहा है स्टॉक में आपको कहाँ तक जो है ये टारगेट बनते हुए देखने मिल सकता है। तो चलिए सबसे पहले अब हम देखते हैं हमारा वनडे का चार्ट। तो यहाँ पे वनडे का चार्ट जो मैंने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया है। अगर मैं बात करूँ वनडे के चार्ट की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम जो है वॉल्यूम बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम है। फ्राइडे के दिन जो है अच्छा खासा यहाँ पे जो है बड़ा वॉल्यूम देखने मिला है। साथ ही जो कैंडल जो बनी है वो भी बहुत ही बड़ी बनी है जो यहाँ पे एक पॉजिटिव हमें जो है एक इशारा देती है। एक स्टॉक जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे पॉजिटिवली जो है ये काम करा। अगर मैं बात करूँ थोड़े से जूम आउट की तो यहाँ पे आप देख सकते ये स्टॉक जो है ऑलमोस्ट 100 तक पहुँच गया था। 100 से जो है पहुँचते पहुँचते रह गया लेकिन यहाँ पे ज़रूर जो है आपको आने वाले दिनों में जो है ये स्टॉक जो है आपको 100 क्रॉस करते हुए देखने मिल सकता है। इवन मुझे लग रहा है यहाँ पे 120 तक ये स्टॉक जो है ज़रूर जा सकता है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा इस स्टॉक को आप जो है ज़रूर नज़र में रखें। अगर हम बात करें RSI की RSI यहाँ पे 68-69 के आसपास जो आ चुका है अभी भी जो है थोड़ा सा यहाँ पे पीछे है अपने ओवरबॉट एरिया में। इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा सा और भी जो अपसाइड मूवमेंट बाकी है लेकिन यहाँ पे हम जो है इंडिकेटर्स पे जो पूरा भरोसा नहीं कर सकते। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक में जो मोमेंट देते हैं तो इसकी वजह से यहाँ पे जो है हम इंडिकेटर्स पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते। थोड़ा सा मैं कहूँगा आप जो है ज़रूर यहाँ पे जो है ये स्टॉक मुझे लग रहा है ज़रूर जो है अपसाइड जाएगा। बाकी आपको क्या लग रहा है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। बाकी अगर आपने जो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो मैं कहूँगा अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ ही साथ जो बेल आइकन को भी दबा दे क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे फोर वीडियोज़ मतलब 4 स्टॉक्स को जो एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे आप सभी के सामने जो है हमारा क्या ओपिनियन बनता है उस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए और खास करके नेक्स्ट डे के लिए हम अपना एक ओपिनियन देते हैं। और याद रखें यहाँ पे हम जो आपको कोई भी ट्रेडिंग कॉल्स मतलब आपको जो बाय करना है या फिर सेल करना है वो नहीं बताते। वो डिसीजन जो है आपका पूरा का पूरा आपके ऊपर है। आपको अपना एक रिसर्च करके जो है यहाँ पे अपना एक डिसीजन बनाना है क्योंकि पैसा जो है वो आपका है। यहाँ पे जो है मैं कहूँगा आप किसी को भी जो है चाहे मैं हूँ या फिर कोई और यूट्यूबर हो आप जो है अपना डिसीजन जो है खुद ही ले किसी के कहने पे जो है डिसीजन ना ले। चलिए अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन किसी भी स्टॉक में हम आपको जो है इसमें मार्क करके बताते हैं। आप ज़रूर जो है इस सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन को जो है मार्क कर सकते हैं और यहाँ पर जो है अपना एक डिसीजन जो है वो बना सकते हैं चार्ट सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन के बेसिस पे। अगर यहाँ पर जो है मैं कहूँ थोड़ा सा यहाँ पर अगर मैं और पीछे जाऊं तो यहाँ पे क्या मुझे पुराना डेटा मिलेगा। हाँ तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा और भी पुराना डेटा मिल रहा है एक साल से भी ज़्यादा पुराना यहाँ पे मुझे डेटा देखने मिल रहा है। तो मैं ज़रूर जो है उस डेटा को यूज़ करूँगा यहाँ पे अपना सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो है वो बनाने में यहाँ पे मार्क करने में। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो आप जो है यहाँ पे ज़रूर जो है इसी जिस तरह से मैं मार्क करा उसी को जो आप मार्क कर सकते हैं और यहाँ पे जो है अपने चार्ट पे जो है सेम टू सेम मार्किंग करके उसी बेसिस पे जो है अपना एक यहाँ पे डिसीजन बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे अब मैं बात करता हूँ इसके क्लोजिंग की और यहाँ पे सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन की। यहाँ पे आप देख सकते हैं 88.10 के यहाँ पे जो है इसकी जो है क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट की बात करो तो यहाँ पे 87.70 का एक डायरेक्ट सपोर्ट आता है और डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन की बात करो तो यहाँ पे 88.90 का जो है एक डायरेक्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन जो है वो आता है। याद रखिए ये जो है रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जो हमने ऑलरेडी पुराने वीडियोस में जो है मार्क करके रखे थे। तो अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस को नहीं देखते हो तो मैं कहूँगा ज़रूर जो पुराने वीडियोस देख लें ताकि यहाँ पे जो है आपको समझ में आए कि किस तरह से हम जो है मार्किंग करते हैं। हम आप सभी के सामने मार्किंग इसलिए करते हैं ताकि आप जो हमारे मार्किंग्स को देखें और उसी बेसिस पे जो है आप अपने हिसाब से जो है अगर आपको कभी मार्क करना हो सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन
तो आप जो है उसी बेसिस पे जो है अपना एक सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो है वो मार्क करे। बाकी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे इस बीच में सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन के बीच में जो आपको यहाँ पे एक जो है रेंज देखने मिलती है, उसी बीच अगर ये स्टॉक जो है घूमता रहा तो यहाँ पे एक नो ट्रेडिंग एरिया हो जाता है। मतलब यहाँ पे इस बीच जो है आपको कोई भी ट्रेडिंग नहीं करनी है, यहाँ पे आपको ना ही बाय करना है ना ही सेल करना है, यहाँ पे आपको जो कुछ नहीं करना है जब तक यहाँ पे सपोर्ट जोन या फिर रेजिस्टेंस जोन किसी भी एक जोन को जो यहाँ पे ये स्टॉक जो है वो क्रॉस करते हुए ना जाए। यहाँ पे जैसे यहाँ पे समझ लिया अगर रेजिस्टेंस जोन जो है तो यहाँ पे जो क्रॉस करते हुए गया तो आपको 5 मिनट या फिर 15 मिनट के चार्ट में जो जरूर आपको तीन ग्रीन कैंडल मतलब तीनों कन्फर्मेशन कैंडल्स का जो वेट करना है। यहाँ पे याद रखे 2 कैंडल हुआ तो उसका मतलब ये नहीं कि आप एंट्री ले ले, तीसरे कैंडल तक आपको वेट करना है क्लोज होने का। वो तीसरी कैंडल क्लोज हो उसकी बाद ही जो है आपको चौथी कैंडल पे जो है आपको एंट्री लेनी है, उसके पहले यहाँ पे जो है बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेनी है। तीसरी कैंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। डाउन साइड के लिए अगर मैं बात करूँ तो वैसा ही बस उल्टा, मतलब यहाँ पे रेड कैंडल का आपको जो है वेट करना है, तीन रेड कैंडल का आपको वेट करना है। जैसे ही इसने अपना डायरेक्ट सपोर्ट जो है वो तोड़ा तो उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट जो आता है उसके उसके बाद का जो सपोर्ट आता है आपको उसका जो है एक टारगेट बना देना है। अगर यहाँ पे छोटा सा है तो आप, मैं कहूँगा जरूर जो है आप वेट कर सकते हैं और नीचे जाने का, लेकिन यहाँ पे उसके बाद जैसे ही वापस से इस सपोर्ट को तोड़ते हुए गया तो आपको वापस से सेम प्रोसेस फॉलो करना है। वो याद रखें सेम प्रोसेस, मतलब 5 मिनट या फिर 15 मिनट के चार्ट में वापस से आपको जो है रेड कैंडल का वेट करना है और डाउनसाइड मोमेंट के लिए। बाकी मुझे लग रहा है ये स्टॉक जो है मेरे मेरे हिसाब से मंडे के लिए जो है छोटा सा जो है एक आपको डाउनसाइड मोमेंट दे सकता है। मुझे लग रहा है 86.80 से लेकर 87.75 के बीच में मुझे लग रहा है ये स्टॉक जो है क्लोज आपको होते हुए देखने मिल सकता है मंडे के दिन। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आपको क्या लग रहा है ये स्टॉक में क्या हो सकता है, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। बाकी मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पे और भी डाउनसाइड जा सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर बाइंग आई तो थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट 2 है, इसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में ज़रूर आपको क्लोजिंग देखने मिल सकती है। बाकी ओपनिंग ज़रूर जो है यहाँ पे थोड़ी सी पॉजिटिव में देखने मिल सकती है, लेकिन मुझे लग रहा है 88.90 को यहाँ पे जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्रॉस करना, लेकिन वॉल्यूम रहा तो उसको भी क्रॉस कर लेगा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा क्रॉस करें तो कन्फर्मेशन कैंडल का ज़रूर वेट करें, क्योंकि हमारा ओपिनियन भले ही डाउन साइड का, अगर हमें लग रहा है कि ये स्टॉक जो है अपसाइड गया है और कन्फर्मेशन कैंडल हमें 3 देखने मिल गई तो यहाँ पे मैं ज़रूर एंट्री लूँगा, 90 का यहाँ पे जो है अपना टारगेट बना दूंगा। याद रखें 90.90 पे मैंने ज़रूर जो है यहाँ पे मार्किंग किया, लेकिन 90 जो है हमारा एक साइकोलॉजिकल नंबर हो जाता है और यहाँ पे मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसा डिजिट है उसी बेसिस पे जो है अपना एक यहाँ पे डिफरेंस बनाना है सपोर्ट जोन या फिर रेजिस्टेंस जोन टारगेट सेट करने के लिए। यहाँ पे 90.90 अगर हमारा ये 2 डिजिट का हमारा स्टॉक है प्राइस का, तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं 0.5 से लेके 2 पॉइंट्स का यहाँ पे जो 5 से 15 मिनट में जो डिफरेंस आ जाता है, तो यहाँ पे जो है मैं जो है अपना एक टारगेट जो है 90 का ज़रूर यहाँ पे फिक्स कर रखूँगा, या फिर यहाँ पे 90.10 का यहाँ पे जो है मैं अपना टारगेट रख लूँगा अगर अपर साइड गया तो। बाकी यहाँ पे मेरा ओपिनियन डाउन साइड का, आपका क्या ओपिनियन मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। बाकी अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।